सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो है उसमें मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि जो आपकी नई गाड़ी जब आप लेते हैं तो उसकी बेसिकली फ़र्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस जो होती है वो क्या होती है, जो तीन सर्विसेज फ्री मिलती है वो बेसिकली क्या कवर्ड होता है, उसमें किस तरीके से वो पूरी होती हैं जो सर्विसेज, उसके बारे में आज बात करूँगा मैं। तो तीन जो फ्री सर्विसेज मिलती है अगर आप पहले उनकी बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि पहली सर्विस जो आपकी कार की होती है वो तो बेसिकली एक जनरल चेकअप ही होता है, मतलब देर इज़ नथिंग दैट हैज़ टू बी डन इन पर्टिकुलर फॉर ऑयल चेंज और एयर फिल्टर और समथिंग। इट्स जस्ट अ नॉर्मल रूटीन चेकअप जिसमें आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है कार का, मतलब जो भी है इंजन वाइज हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गए, आपकी लाइट्स चेक करते हैं, वाइपर्स वगैरह सब सही चल रहे हैं क्या, ब्रेकिंग सब सही है, मतलब कोई भी वो ये चेक करते हैं फर्स्ट सर्विस में कि आपकी कार में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जिसको बाद में अगर होए तो बाद में भड़के वो भड़ सकती है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या जब डीलरशिप में या जब आपने कार पिकअप की आपके नोटिस में नहीं आई और वो प्रॉब्लम आगे जाके और बड़ी हो सकती है, इसीलिए फर्स्ट सर्विस में ऐसी चीज़ों को चेक किया जाता है। फर्स्ट सर्विस जनरली देखो कार टू कार और कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, इंजन कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है, पर एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो 1300 से लेके 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही फर्स्ट सर्विस होती है, या फिर 3 से 4 महीने आपकी कार के परचेज के बाद तो आपकी फ़र्स्ट सर्विस परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट सर्विस तो एब्सोल्युटली फ्री होती है, कोई भी पार्ट चेंज वगैरह इनकेस किसी वजह भी हो, कोई पार्ट चेंज हो या कुछ हो तो उसका आपको कोई पैसा तो देना नहीं पड़ता, क्योंकि लेबर तो पहली 3 सर्विस के लिए फ्री रहती है और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो आपकी वारंटी के अंदर वो कवर्ड होती है। तो जो मेन जो सर्विस होती है जिसको टेक्निकली फर्स्ट सर्विस ही बोलना चाहिए, क्योंकि सर्विस बेसिकली वही होती है जिसमें प्रॉपर ऑयल चेंज वगैरह होता है, क्योंकि जो फर्स्ट सर्विस जो बोला था वो टेक्निकली बस एक चेकअप ही है कार का, फर्स्ट सर्विस उसको बोलना शायद थोड़ा गलत होगा। तो प्रॉपर जो सर्विस होती है वो होती है सेकेंड सर्विस होती है, जैसे अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ जो कि लाइट I20 है, पेट्रोल वेरियंट है ये, तो अगर इसकी बात करें तो 10,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है या 1 साल। तो अभी मैंने जस्ट सर्विस कराई कल, मेरे पास अभी बिल भी है, मैं आपको शो कर दूंगा एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है इसका। तो जो सेकंड सर्विस हुई उसकी वो या तो 10,000 किलोमीटर पर थी, 10,000 किलोमीटर तो गाड़ी चली नहीं थी और पर 1 साल से ऊपर हो गया था कार को, तो इसलिए फर्स्ट सर्विस उसकी हो गई। तो जो सेकंड सर्विस जो हुई इसमें भी फ्री सर्विस थी, ये फ्री सर्विस में सिर्फ जो पार्ट्स जो भी यूज़ डलते हैं या जो भी चीज़ होती है उनका आपको पैसा देना पड़ता है, जैसे कि इंजन ऑयल डल रहा है आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, एयर फिल्टर का पैसा देना पड़ेगा आपको, ऑयल फिल्टर का पैसा देना पड़ेगा, इन चीज़ों के आपके पैसे देने पड़ते हैं। जो मेन जो चीज़ जो बचती है जिस तरीके से जो फ्री होती है वो सिर्फ आपकी लेबर होती है और जो उनके सर्विस चार्जेस होते हैं उसका कोई भी पैसा लिया नहीं जाता। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास यहाँ पे बिल पड़ा है इसका, देखिए मैं कल सर्विस करा के लाया था, तो मेरा जो टोटल बिल बना है सेकंड सर्विस का, मेरी 6,700 किलोमीटर्स कार चली थी टोटल, और जो मेरा इसमें टोटल जो बिल बना है वो है 2,270 का टोटल बिल बना है। इसमें मैंने 500 रुपीज़ का एक सैनिटाइजेशन वाला एक अलग से कराया था, तो आप 500 रुपीज़ इसमें से आप हटा सकते हैं, तो कुछ 1,700 रुपये के आसपास कुछ हुआ, जिसमें मेरा जो चीज़ें चेंज हुई वो था इंजन ऑयल, फिर मेरा एयर फिल्टर चेंज हुआ और फिर मेरा ऑयल फिल्टर चेंज हुआ और विंडशील्ड वॉशर और ल्यूब्रिकेशन हुई थोड़े एक दो पार्ट्स की, और बस विंडशील्ड वॉशर के 15 रुपीज़ और इन्होंने लगा रखे हैं। तो बस ये थी सेकंड सर्विस में, इतना भी कुछ था नहीं, सिर्फ जो पैसे लिए जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए जाते हैं। तो जो फ्री हुआ वो क्या हुआ, जो 2,200 रुपीज़ थे जो लेबर की होती है और जो सर्विस चार्ज होता है वो सारे फ्री हो गए। अब इसके बाद एक सर्विस और मिलती है, ज़्यादातर कंपनीज 3 सर्विस ही फ्री देती हैं, तो अगर इसके बाद जो अगली सर्विस होगी जो कि 20,000 किलोमीटर पर होगी या फिर जो अभी से लेके 1 साल तक, 1 साल के बाद, तो उसमें भी सेम यही होगा कि जो भी ये इंजन ऑयल वगैरह का तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, पर जो ये है आपका लेबर है वो भी फ्री होगी, फिर उसके बाद आपकी लेबर चार्जेस वापस आने शुरू हो जाते हैं। तो बस यही था, यही बताना था इस वीडियो में कि जो फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस होती है, जो भी फ्री सर्विसेज बोलते हैं, बेसिकली एग्जैक्टली क्या होता है, क्या फ्री होता है, क्या फ्री नहीं होता, और फर्स्ट सर्विस क्या सर्विस भी होती है या सिर्फ एक जनरल चेकअप होता है, ये अब आपको शायद इस वीडियो से क्लियर हो ही होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।